जब भी आप कोई क्लिनिक विजिट करें तो ध्यान दीजिए कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, उनकी लैब कैसी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। डॉक्टर से बात करके, उनसे मिलने के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें और भी हैं, इन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा फर्टिलिटी दोस्त से, और आज मैं आपके लिए कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट द IVF डॉक्टर, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ IVF क्लिनिक और सेंटर। कैसे हम ये जानें कि जिस डॉक्टर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सच में इस काबिल है कि हमें वो हमारी खुशी दे सके। आज आपके इन सब सवालों के लिए ये छोटा सा वीडियो आपके लिए। हम सोचते हैं कि रिव्यूज़ पे जाएंगे, गूगल से देखेंगे, लोगों से सुनेंगे, तो क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है आप हमसे कनेक्ट कीजिए। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपको कुछ लोग नहीं समझा पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, हम आपको बताएंगे। हमारे रेफरेंस में, हमारे पैनलिस्ट में वो डॉक्टर्स हैं जिनको हमारे मेंबर्स ने रिकमेंड किया है। जी हाँ, जिनको हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने रिकमेंड किया है, उन लोगों ने खुद उन डॉक्टर्स से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। ऐसे डॉक्टर्स के बारे में जब हमारे मेंबर्स हमें बताते हैं तो हम खुद जाकर उन डॉक्टर्स से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और फिर हम उन डॉक्टर्स को अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं। जब भी आप कोई क्लिनिक विजिट करें तो ध्यान दीजिए कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, उनकी लैब कैसी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। डॉक्टर से बात करके, उनसे मिलने के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें और भी हैं, इन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके क्लिनिक के, आपके हॉस्पिटल की, आपके घर से कितना डिस्टेंस है, क्या सच में बहुत ट्रैफिक है या इट्स मैनेजेबल, और डॉक्टर से आपका कनेक्शन, द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, उससे आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। आप हमारे पास आइए IVF काउंसलिंग के लिए। हमारे सजेस्ट किए हुए, हमारे बताए हुए डॉक्टर से मिलिए। हम कभी आपको पुश नहीं करेंगे कि हाँ ये डॉक्टर हमने बताया है, आप इन्हीं से ट्रीटमेंट करवाइए। नहीं, हम आपको कुछ चॉइसेस देंगे, मे बी 3, 4, 5, जितना भी जो भी रिकमेंडेशन हमारे पास हैं, हमारे अपने सक्सेसफुल मेंबर्स के थ्रू उन्हीं डॉक्टर्स को हम आपको रिकमेंड करेंगे। आप उन सबसे मिलिए, हम एक से नहीं कहते, अब सबसे मिलिए, फिर आप देखिए कि कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो आपको सच में आपके केस के लिए केपेबल लगता है। हमारा रिकमेंडेशन आपके मेडिकल हिस्ट्री से भी मैच करना चाहिए। जी हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि कौन से ऐसे क्लिनिक्स हैं जो PGT करते हैं। आप ये सोचिए, उस पर्टिकुलर सिटी में एटलीस्ट 6-7 क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स को मैंने कनेक्ट किया, उसमें से मुझे दो ऐसे हॉस्पिटल्स मिले जो कि PGT करते हैं। तो मैंने उन दो हॉस्पिटल्स का ही रिकमेंडेशन उन क्लाइंट को दिया कि मुझे ये ठीक लगे। आप अननेसेसरी कहीं विजिट कर रहे हैं, और जो आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चाहते हैं वो अगर नहीं हो रहा तो आपका विजिट बेकार है, आपका टाइम बेकार है। एंड इन अनदर केस, द लेडी इज सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून, तो उसने मुझे कहा कि मैम पर्टिकुलरली ऐसा ही क्लिनिक या डॉक्टर सजेस्ट कीजिए। फिर हमने रिसर्च की उनके उस सिटी में जहाँ पे उनको डॉक्टर चाहिए था, एंड हमने उस पूरी रिसर्च में से 4 ऐसे डॉक्टर्स उनको सिलेक्ट करके दिए। तो हमारे जो सिलेक्शन है वो गूगल रिव्यू नहीं है, हमारे सिलेक्शन ओरिजिनल सिलेक्शन है। उसके बाद अगर आप हमारे दिए हुए, हमारे रिकमेंड करे हुए डॉक्टर के साथ एनरोल होते हैं, देन हम हमेशा आपके साथ हैं। वो पूरी जर्नी, इट्स नॉट अप टू कंसेप्शन, इट्स अप टू लाइव बर्थ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। तब तक हम आपका हाथ पकड़ के, आपके सच्चे दोस्त की तरह पूरी जर्नी आपके साथ चलेंगे। क्या डॉक्टर आपको जो टेस्ट बता रहे हैं वो सच में ज़रूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टेस्ट आप पहले करा चुके हैं और उसे चल जाएगा? तो वील हेल्प यू इन दिस ऑल्सो, मेरी टीम, मैं, हम पूरा डायरेक्ट कनेक्ट रखेंगे डॉक्टर के साथ रिगार्डिंग योर केस। तो आप वेट क्यों कर रहे हैं? हमारे पास आइए, हमसे IVF काउंसलिंग लीजिए, हमसे सजेशन लीजिए। आपके सिटी में, आपके शहर में
कौन सा अच्छा डॉक्टर है आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। हम आपके दोस्त, आपको हेल्प करने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर।